पढ़कर जिंदगी को जान लेते हैं, चेहरों को पढ़कर जिंदगी को जान लेते हैं, सबकी समस्या बिन सुने पहचान लेते हैं। हर एक उलझन का नजर आता है पक्का हल, जब दिव्य दृष्टि से प्रभु संज्ञान लेते हैं। नमस्कार, नौबत और शेखर माधवानी स्मृति ट्रस्ट आयोजित भव्य ज्योतिष दरबार में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है प्रखर ज्योतिषाचार्य और गूढ़ विद्याओं के निपुण शास्त्री जी प्रभु। जय श्री सीताराम। जय सीताराम। शास्त्री जी, हमारे दर्शकों को आप पहले ये बताएं कि आप मूलतः कहाँ के निवासी हैं और अभी आप कहाँ पे स्थायी हैं, इसके बारे में कुछ। मेरी जन्मभूमि बीकानेर राजस्थान है और मेरी कर्म भूमि अहमदाबाद गुजरात है। 25-26 सालों से मैं ये निःशुल्क इस तरह के दरबार लगा के मैं ये कर्म भूमि मेरे अहमदाबाद से जगह जगह मैं आकर इस तरह के दरबार लगाता हूँ। इस निःशुल्क के पीछे मेरा हेतु ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के चेहरों पे एक तो खुशियाँ ला सकूँ, दूसरा अपनी ये हिंदू संस्कृति, जो ऐसी कई विद्याएँ अपने धरोहर में, अपने हिंदुओं के सनातन धर्म में अंदर है, जो लोप होती जा रही है, मैं इसका वापस प्रचार प्रसार करने लगा हूँ और अपने हिंदू सनातन धर्म की ताकत को बढ़ाने के लिए, उस उद्देश्य से कि कोई भी व्यक्ति इस संस्कृति और ये सनातन धर्म, अपने ऋषि मुनियों की जो परंपरा के अनुसार, जो ऐसे यहाँ बैठे बैठे सूर्य मंगल गुरु जितने भी ग्रहों को, उनकी गति, उनकी चाल और आने वाला ग्रहण कब कब लगने वाला है, कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड, ये सब ज्योतिष विज्ञान ने दिया है, अपने ऋषियों ने दिया है। ये कोई भी साइंस विज्ञान ये नहीं कर पाया जितना आज तक ये सारी कैलकुलेशन ज्योतिष के माध्यम से। इसलिए ज्योतिष शास्त्र 100% सत्य है, लेकिन ज्योतिषी शायद गलत हो सकता है, उसमें से मैं भी हो सकता हूँ कि मेरे से कोई त्रुटि रह जाए, लेकिन शास्त्र कभी गलत नहीं है। अपनी ऋषि मुनियों की ये जो परंपराएं और मेरे पिताजी जो मेरे गुरु है, उनके द्वारा आशीर्वाद रूप में मुझे ये साधनाएं कराई गई और ये साधनाएं बहुत कठिन होती है। इस कठिन साधनाओं से बाहर आकर जब मैं इस तरह जनता के अंदर इस तरह निकला, तो मैंने देखा कि कोई भी मेरे सामने आकर जब बैठता है तो उनके भाव, उनके सवाल, उनकी समस्याएं तुरंत मेरे सामने जैसे एक पिक्चर की तरह भाती आती है और मैं वो बोलता हूं कि तुम इस काम से आए और मैं लिख देता हूं, तो लोगों को एकदम वही सब निकलती है। लोग बहुत आश्चर्यचकित भी होते हैं कि इस विज्ञान के युग में क्या ये संभव है, लेकिन शायद अपने इस हिंदू संस्कृति और इस सनातन धर्म की ये ताकत है कि आज भी ये विद्याएँ जिंदा है। स्वामी जी, आपके ज्योतिष दरबार लगते ही रहते हैं, तो अभी तक कहाँ कहाँ के देश और विदेश में खास जो आप बताना चाहें, जिसका जिक्र करना ज़रूरी हो? बाकी मैं देश विदेश में लगभग सभी जगहों पर मेरे ज्योतिष प्रचार और ये दरबार में कर चुका हूँ, और पिछले कुछ साल एक समझने से तो मैं ये सौराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अभी इन दिनों में मैंने किया है, जिसमें जामनगर, जाम खंबालिया, जाम जोधपुर, समाणा और कच्छ भुज आदि अनेक जगहों पर, भावनगर प्लस अमरेली, ऐसी बहुत सी जगह पर मैंने ये ज्योतिष के दरबार अभी लगते रहे हैं, और पूरे विश्व में राजस्थान, और अभी नेक्स्ट मेरा ये भी 27 तारीख को जोधपुर राजस्थान में लगने जा रहा है। उसके बाद में मतलब काफ़ी जगहों पर मेरे आगे से एडवांस इसकी बुकिंग चल रही है और लोगों में बड़ा उत्साह है, और विदेशों में भी मैं ये प्रचार प्रसार कर चुका हूँ, और मैं आगे भी अगर कोई भी मेरे को निःशुल्क में दरबार लगाने के बुलाएगा मुझे, और संख्या बल होगी, लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा का भला मैं कर सकूँ, उस उद्देश्य से कोई भी मुझे बुलाएगा, मैं सहर्ष निःशुल्क रूप से वहाँ सेवा देने के लिए तत्पर हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर मेरे से कोई पर्सनल अहमदाबाद में अपॉइंटमेंट लेके मिलता है तो उसका मैं शुल्क ज़रूर लेता हूँ, बाकी ऐसे दरबार में कोई शुल्क नहीं लिया जाता। स्वामी जी, आपके पास हजारों लोग अपनी समस्याएं लेके आते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अपने क्षेत्र में बहुत आगे हैं, तो ऐसे कोई किन्हीं का आप जिक्र करना चाहें? अगर बहुत से लोग निजता का भंग न हो, उनकी समस्या मत बताएं, लेकिन आप अगर उनका नाम ले सके। ऐसे बहुत से हैं गणमान्य जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, अभी आप पिछले सौराष्ट्र की बात करें तो बीजेपी के काफ़ी महामंत्री और मतलब ये नगर पालिका के बड़े बड़े मतलब सेवक और इतने बड़े बड़े ओहदे वाले लोग हैं जो मेरे इस दरबार में, इस दरबार की गरिमा को रखते हुए
रात को 12 बजे 3 बजे 4 बजे तक ये दरबार चलते हैं, तो उनकी अपनी वारी का इंतजार करते हुए उनका मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो इतने बड़े पद पे होते हुए भी उन्होंने मेरे हमारे दरबार का ये मान रखा है। और हाल ही में मैं कई ऐसे गणमान्यों से भी मिला हूँ जो बहुत ऊँचे पद रखते हैं, मैं उनका नाम अभी नहीं लेना चाहूँगा। बाकी इस तरह से मतलब लगभग मैं काफ़ी मतलब राजनीति और डॉक्टरों तक का मैं ये सेवा कर चुका हूँ। जो डॉक्टर विज्ञान को मानते नहीं है, लेकिन मैंने काफ़ी डॉक्टरों को भी ये परामर्श दिया है। इनकम टैक्स के कमिश्नर तक मेरे से मतलब ये सेवा ले चुके हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। बाकी लगभग पुलिस के DGP तक मेरे से मतलब मेरे रहे हैं, क्लाइंटों में अभी भी है, तो काफ़ी ये चलता रहता है। सर स्वामी जी, आपके सामने कोई आता है उज्जैन लेकर, उसकी जिंदगी खुली किताब की तरह हो जाती है आपके सामने। कभी कोई ऐसा अनुभव कि कुछ बात हम उसको नहीं कह सकते, आप कोई धर्म संकट में आ गए हो, उस वक्त पर आप किस तरह विवक से काम लेते हैं? बहुत से ऐसे अनुभव रहे हैं जिसमें मेरे पहले शायद शुरुआत में जब मैं यंग एज में था और इस तरह से शुरू किए थे, तो मेरी शायद ज्ञान तो आ गया मेरे पास, लेकिन अनुभव की थोड़ी कमी थी। तो उस दरमियान जो हमने सीखा, तो वो आज मैं हर हमेशा काम लेता हूँ। उस दरमियान समझो कि मैंने एक व्यक्ति आया जिसका ये था कि उसके फादर की डेथ मुझे दिखाई दी, तो मैंने उनको बोला कि आपका ये 52 दिन के अंदर आपके पिताजी को ये संकट आने वाला है। तो इतना बोलने से वो बच्चा अपने घर में जाके उसने बोल दिया कि हमारे पिताजी का ऐसा वो शास्त्री जी ने बोल दिया है, और वो घटना घट गई। तो वो 12वां दिन करने के बाद एक हजूम मेरे पास आया और बोलने लगा कि आपने ऐसा बोल दिया, तो वो साइकोलॉजी से वो चले गए। तो उस घटना को देख के मुझे बड़ा झटका लगा कि इस तरह की चीज़ों को शायद थोड़ा सा घुमा के बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसी तरह से अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले एक व्यक्ति आया जो अपनी पत्नी की बीमारी को लेकर आया था, तो मैं थोड़ा धर्म संकट में एक बार फंसा। पत्नी की बीमारी का लेके आए तो मैंने उसको देखा, देखने के बाद में उनको बोला कि अगर तुम कुछ उपाय कर सकते हो तो मैं बताता हूँ। बोले हाँ मैं हम करेंगे। तो मैंने बोला कि तुम्हारी मदर की जो है ना, तुम्हें इंश्योरेंस कराना पड़ेगा तो तुम्हारी पत्नी का तबीयत ठीक होगा। बोले गुरुजी ये कैसा उपाय हुआ कि मेरी पत्नी को ठीक करने के लिए मदर का इंश्योरेंस कराना है? मैंने कहा जितना हो सके उतना ज़्यादा करोड़ों में करा दो, तो तुम्हारी पत्नी का ऑटोमेटिक ये खर्च करोगे तो खर्च होगा जैसे ही आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी। तो उसने विश्वास करके इस तरह से काम किया। तो वो मुझे एक्चुअल में तो दिखाई दिया था कि उनकी मदर इतने दिन में जाने वाली है, तो मैं उनको डायरेक्ट ये ना बोल पाया कि तुम्हारी मदर जाने वाली है तुम ऐसा कर लो, लेकिन मैंने उनको इंश्योरेंस के रूप में बोला और वो घटना घटी और उसको इंश्योरेंस के बहुत बड़ी रकम उसको मिली। तो वो दुखी मन भी था और कहीं कहीं उसके थोड़ा खुशी भी थी कि उसको इतने करोड़ों रुपए मिल गए थे। तो मैंने इस तरह से कहा कि तुम्हारी तो ऑटोमेटिक ये हुआ था कि उसकी पत्नी की तबीयत एक्चुअल में ख़राब थी ही नहीं। मैंने जब देखा तो मेरे सामने ये आया था कि सास बहू की बनती नहीं है, इस वजह से वो कई बार नाटक करके बीमारी का बहाना लेके सो जाती थी। तो ये चीज़ मेरे सामने आई तो मैं ये डायरेक्ट बोलता तो उस बच्ची का भी शायद गलत हो जाता मेरे लिए। तो वो धर्म संकट से निकलने के लिए मैंने एक रास्ता अपनाया कि इंश्योरेंस करा दो तो उनको पैसे मिले, और वो घटना जो जीवन और मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में है, वो तो होनी ही थी। लेकिन वो अपनी बाद में वो आके उसने बोला कि गुरुजी आपने बताया लेकिन शायद मैं ही नहीं समझ पाया। तो एक पहली घटना थी और एक ये है, दोनों में ये अंतर आ गया। स्वामी जी, आप ज्योतिष के बारे में जो जिज्ञासु है, नए लोग जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए कुछ दो लाइन में अगर संदेश देना चाहते हैं? मैं बहुत ही जल्द मेरा प्रयास जारी है कि मैं एक ऐसा गुरुकुल तैयार करूं जिसके अंदर ऐसी ये शिक्षाएं कोई मैं साथ लेके नहीं जाऊंगा। किसी न किसी को तो हमें ये विद्याएं देनी होती है शिष्य बना के, तो एक अच्छा पात्र और शिष्य मैं जरूर, हम लोग जितने हो सके, तो मैं गुरुकुल के माध्यम से अपने रियल ये संस्कृति और ये जो ऋषि मुनियों की परंपराओं को देके जाऊंगा। मैं अनेक अपने शिष्य और विद्यार्थियों को तैयार करने की इच्छा मेरी जरूर है। इतना हो सकेगा मैं सेवा करके गुरुकुल तैयार करूंगा और उसमें अनेक लोगों को इस ज्योतिष की शिक्षा देकर अपने इस भारतीय संस्कृति को बचाने का पूरा प्रयास करूंगा। जय सीताराम। तो शास्त्री जी ने लोकत के माध्यम से बहुत बड़ी घोषणा की है अपने गुरुकुल की रचना करने की। इसी के साथ संवाद को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं नौबत
नौबत का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि निःशुल्क बर्मस लगा के सैकड़ों लोगों को चेहरों पर जो खुशियाँ इस नौबत ने दी है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ नौबत का। जय सीताराम जी की।